चलो बच्चों कैसे हो, बढ़िया ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? पढ़े थे जो अगर मिड पॉइंट गिवन है तो और का इक्वेशन कैसे निकालेंगे एंड कुछ कंडीशन तक, ठीक है? तीन पढ़े थे, पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कोण ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ कोण व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन टी इज इक्वल टू एस वन, ये पढ़े थे ना? चलिए था कुछ पहले उस पर क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोण ऑफ सर्कल, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोण ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोण ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो विच मेक्स एंगल 60 डिग्री, विच मेक्स एंगल 60 डिग्री एट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, which makes angle 60 degree, which makes angle 60 degree at circumference of circle, which makes angle 60 degree at circumference of circle, at circumference of circle, ये क्या कीजिए तो हो गया क्या? और का मिड पॉइंट का लोकस निकालो, ठीक है ना? कुछ करना ही नहीं है, मान लिए सर्कल है, सर्कल दिख रहा है क्या आपका? ये क्या है? सर्कल है, सेंटर बोलिए, सेंटर 1.1, रेडियस 1² + 1² 2 + 2 4 रेडियस, क्लियर? ये हम लोग निकाल लिए, अब देखते हैं क्या निकालना है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोण which makes angle 60 degree at circumference, तो मान लीजिए एक कोण ये है जिसका मिड पॉइंट क्या है, लोकस निकालना है, मतलब एच कॉमा के, बोलो क्लियर? मिड पॉइंट क्या हो गया? एच कॉमा के, ये सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है? 60 डिग्री। सर्कमफेरेंस का एंगल कितना है? 60 डिग्री, रेडियस 2 है, सर्कमफेरेंस का एंगल 60 डिग्री, को डाउट है? अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को सेंटर से, तो सबको पता है ना सेंटर का एंगल कितना होगा? सेंटर का एंगल क्या आ जाएगा? 120 डिग्री, और ये एंगल बाय सेंटर है, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, बोलो को डाउट है? किसी को डाउट नहीं ना? ये रेडियस 2 है, क्लियर? अब बोलो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, बोलो cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू ये 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, क्या लिखेंगे? x by 2, बोलो का डाउट है? ट्रायंगल मान लेते हैं OABC या P, क्या होगा? इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ये पॉइंट क्या है? पी है, इन ट्रायंगल ए ओ पी कोस 60 डिग्री इक्वल टू ये लेंथ बाय ये लेंथ ना, एक्स इक्वल टू बोलो क्या आ गया? 2 कोस 60 डिग्री, मींस क्या हो गया? 2 × 1/2 = 1, ये लेंथ कितना आ गया? OP इक्वल टू 1, बोलो कोई डाउट है? OP का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? H माइनस 1 स्क्वायर K माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो लोकस है, लोकस क्या आ गया? X माइनस 1 का स्क्वायर प्लस Y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोण इज सर्कल है, और वो क्या है इक्वेशन? एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोलो का डाउट है नहीं ना? चल नेक्स्ट
पहले कुछ हम लोग पॉइंट नोट कर लेते हैं, नोट करके पॉइंट लिखिए। नोट फर्स्ट पॉइंट, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू एम, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू एम इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल इज वन कॉर्ड हूज मिड पॉइंट इज एम, द शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू एम इनसाइड द सर्कल इज वन कॉर्ड हूज मिड पॉइंट इज एम, हूज मिड पॉइंट इज एम, एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर पासिंग थ्रू एम, एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर पासिंग थ्रू एम, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर पासिंग थ्रू एम। देखो क्या मिलेगा, एक पॉइंट गिवन है एम, अब बोला एम से पास करने वाला इनफाइनाइट कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड हो सकता है, 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 बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब ऐसा कॉर्ड निकालना इसका लेंथ शॉर्टेस्ट हो, बोलो इससे छोटा कोई कॉर्ड होगा, लेंथ शॉर्टेस्ट, ये मान लो सेंटर है, क्या जाएगा ये लेंथ शॉर्टेस्ट कब होगा, जब एम क्या हो जाए, वो कॉर्ड लेना है जिसका मिड पॉइंट एम हो जाए। तो कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, तो हमेशा ये बोल सकते हैं कि सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा ना, अगर ये पॉइंट एम है तो ओ एम पता है, मान लेते हैं ये एन है, ओ एन पता है, तो एम एन क्या होगा, एम एन इक्वल टू अंडर रूट ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, बोलो क्लियर है ना, ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, और क्वाड का लेंथ क्या होगा टू एम एन, जैसे मान लो ये क्वाड लेते हैं, ये क्वाड, ये क्लियर, इसमें लेंथ क्या जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये लेंथ क्या है ओ एम से छोटा है कि बड़ा, अपन इसमें सोचो एम एन को लिस्ट करना, एम एन लिस्ट कब होगा, ओ एम तो फिक्स है आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, एम एन लिस्ट होने के लिए ओ एम को ग्रेटर होना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये बड़ा ये बड़ा, ओ एम ग्रेटर ना, तो कॉर्ड का लेंथ लिस्ट कब होगा, जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस कॉर्ड का ग्रेटर होगा, और ग्रेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा कॉर्ड होगा, ये होगा ना, ये हम लोग को पता है ना, बाकी कोई भी लेंथ ले, ये लेंथ ले, ये लेंथ ले, ये सब क्या है इससे छोटा, हम लोग को क्या चाहिए, ये ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए, ये ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर होगा, OM के परपेंडिकुलर लेंथ, मींस क्या बोलेंगे, उस क्वाड का लेंथ लिस्ट है जो जिसका मिड पॉइंट M है, बोलो क्लियर है, ध्यान से सोचो समझ में आ जाएगा। और ग्रेटेस्ट क्वाड का लेंथ कौन सा होगा, वो तुम लोग को दिख रहा है कि इससे बड़ा लेंथ कभी होगा नहीं, किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होता है डायमीटर, लेंथ ऑफ क्वाड मैक्सिमम कब होगा, जब ऐसा कॉर्ड एम से ही पास कर रहा हो और सेंटर से ही पास कर रहा हो, तो वो डायमीटर जो एम से पास कर रहा है उसका लेंथ ग्रेटेस्ट होगा, लिस्ट कब होगा, ऐसा कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट एम हो, बोलो क्लियर है पक्का ना, चलो सेकेंड पॉइंट, तो जस्ट ये सब क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एम से पास कर रहा है उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालो जिसका लेंथ लिस्ट हो, जिसका लेंथ ग्रेटर, निकाल सकते हम लोग, इस केस में क्या जाएगा t इक्वल टू s1
और इस केस में ये पॉइंट पता रहेगा, ये पॉइंट पता रहेगा, लेंथ का इक्वेशन बोलो क्लियर। चलो सेकंड पॉइंट, द कॉर्ड व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, द कॉर्ड व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, द कॉर्ड व्हिच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, the cord which is at maximum distance from center, the cord which is at maximum distance from center and passing through M, the cord which is at maximum distance from center and passing through M, बोलो क्या होगा? एक और ना, the cord which is at maximum distance from center and passing through M is 1, is 1 whose midpoint is M, is 1 whose midpoint is M, whose midpoint is M, and the cord which is at minimum distance from center, and the cord which is at minimum distance from center, and the cord which is at minimum distance from the center is the diameter passing through M, is diameter passing through M, इसमें length क्या जाएगा? 0, center perpendicular distance क्या जाएगा? 0, and the cord which is at minimum distance from center is diameter passing through M, बोलो क्लियर है ना पक्का। चल एक क्वेश्चन लिखो, तो फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड, find the length and equation of shortest cord passing through 1,1, passing through 1,1 inside the circle, inside the circle x square plus y square equal to 4, inside the circle x square plus y square equal to 4, find the length and equation of shortest cord passing through 1,1 inside the circle x square plus y square equal to 4। हो गया क्या? सर शॉर्टेस्ट कॉर्ड निकालना पता है ना, वो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट है वो एक तो t इक्वल टू s1 कर सकते हैं, दूसरा अगर वो नहीं करना है सिंपली कर सकते हैं सेंटर 0 0 M 1 1, बोलो को डाउट है, ये कॉर्ड निकालना है ना पक्का ना, इसका स्लोप बोलिए, M इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 - 0 1 - 0 1 ना, M 1 इसका स्लोप, M 2 M 2 इक्वल टू क्या जाएगा -2, बोलो को डाउट है, इस लाइन का इक्वेशन क्या जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी जल्दी बोलिए, y minus 1 equal to minus x minus 1 क्या हो गया, y plus x plus y equal to 1 plus 1 2, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड क्या आ गया, x plus y equal to 2, ये निकालना बहुत आसान, लेंथ ऑफ ए बी बोलो ये लेंथ कितना जाएगा 1 square plus 1 square root 2 क्लियर, रेडियस कितना है 2, ये लेंथ क्या रहेगा ए बी इक्वल टू से लिखेंगे 2 टाइम्स, ये लेंथ ना 2 टाइम्स क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर, बोलो को डाउट है क्या रहेगा 4 - 2 2 2 रूट 2, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 2 रूट 2, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड 2 रूट 2, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, या अगर ये नहीं करते इक्वेशन निकालने के लिए सिंपली इस पॉइंट से t इक्वल टू s1, तो क्या आ जाएगा t x इनटू 1 y इनटू 1 माइनस 4 s1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4, चलो को डाउट है क्या आ गया x प्लस y इक्वल टू 2, राइट लिख सकते हैं बोलो क्लियर है पक्का ना।
नेक्स्ट लिखो फाइंड द एंगल एट विच सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. Find the angle at which circle x square plus y square equal to 16 can be seen from the point 8, 0. Can be seen from the point 8, 0. मतलब 8, 0 से इस सर्कल को पूरा देख सकते हैं किस एंगल पर रखा है, मतलब कितना एंगल है. फाइंड द एंगल एट विच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 कैन बी सीन फ्रॉम द पॉइंट 8, 0. ये देखिए तो अरे हो गया क्या. देखो क्वेश्चन क्या है, कोई एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटर 0, 0 रेडियस 4. इसमें कोई डाउट है. अब 8, 0 से पूरे सर्कल को कैसे देखेंगे, कैसे ना, अरे कैसे जाएगा ऐसे. तो हम पूरे सर्कल को देख सकते हैं तो क्या करना है, ये एंगल निकालना है. क्लियर है. इसको मान लेते हैं 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा, बोलो क्लियर है. और ये 90 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बोलो. 10 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 10 थीटा. ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 0, 0, 8, 0. ए निकालो, हम लोग टेस्ट 1 निकाल लो. मान लेते हैं ए बी सी ओ, ए बी, ए बी बोलो क्या जाएगा अंडर रूट टेस्ट 1. अंडर रूट टेस्ट 1 मतलब क्या जाएगा, 64 प्लस 0 माइनस 60 कितना जाएगा, अंडर 48 4 रूट 3. देखो सही लिखेंगे क्या, ये आ गया 4 रूट 3 और ये हो गया 4. तो बोलो 10 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू 4 बाय 4 रूट 3. बोलो कोई डाउट है, ये होगा ना. यस 1/2 निकालना क्या है, 10 2 थीटा. उन लोग को पता है ना 2 tan theta by 1 minus tan square theta क्या जाएगा, 2/3 1 minus tan square theta 1/3. तो 3 minus 1 2/3 दूसरे को क्या जाएगा, 2/3 into 3/2. क्लियर, क्या क्या रूट 3. तो 10 2 theta इक्वल टू रूट 3 या सिंपली बोल सकते हैं फिर मतलब कर दिए. जब ये 30 डिग्री था ना, ये क्या जाएगा फिर से 30 डिग्री, मतलब थीटा क्या जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 6. अगर मान लो कि नॉन एंगल नहीं रहता तो फिर ये करते तो दिखा दिए, बट नॉन एंगल डायरेक्टली क्या बोलेंगे, 2 थीटा क्या है 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री. क्लियर. चलो नेक्स्ट लिखो तो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट. Find the locus of point of intersection of tangents. Find the locus of point of intersection of tangents to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sine square alpha प्लस 13 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0.
फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9z स्क्वायर फॉर कंटिन्यू कोस स्क्वायर फाइ इक्वल टू 0 व्हिच इनक्लोजेज एंगल 2 अल्फा बिटवीन देम which encloses angle 2 alpha between them. ठीक से समझना है क्या रहा है दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कौन दो टेंजेंट वैसा दो टेंजेंट दोनों के बीच का एंगल क्या है 2 अल्फा है उस दोनों टेंजेंट के बीच इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ट्राई करो दोस्त अरे हो गया क्या देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है ना कुछ करना ही नहीं है बस खाली डायग्राम बनाना है इतना आंसर क्लियर है क्या ये सबको पता है ना एंगल 2 अल्फा है मतलब ये एंगल कितना हुआ अल्फा हुआ कि नहीं x1 को y1 मान लिए कुछ लोकस निकालना है h को k मान लिए बोला तक किसी को डाउट है नहीं ना चलिए सेंटर को लेके क्या है सेंटर को लिए सेंटर माइनस 2 को मान लिए ना पक्का रेडियस को लिए 4 प्लस 9 13 माइनस 9 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 13 cos स्क्वायर अल्फा बोलो को डाउट है ये होगा ना 4 प्लस 9 13 प्लस 9 माइनस 9 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 13 cos अल्फा ये क्या आ गया 13 माइनस 13 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sin स्क्वायर क्या हो गया 13 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sin स्क्वायर अल्फा अरे कॉमन लेके बगल में 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 13 sin स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा मॉड होगा इतना लिख लो मॉड ऑफ 2 sin बोलो का डाउट है ये कितना आ गया 2 sin अल्फा यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना ये एंगल पता है हम लोग को ये ले तो लोग निकाल ही सकते हैं तो क्या जाएगा ये निकालते हैं पी एच को मत के है नहीं ये है 2 sin अल्फा क्लियर लिखो sin अल्फा इक्वल टू ट्रायंगल पी ओ ए में इन ट्रायंगल पी ओ ए बोलो sin अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे sin अल्फा इक्वल टू ए ओ बाय ये 90 डिग्री है मतलब क्या जाएगा पी ओ बोलो को डाउट है क्या जाएगा ए ओ का लेंथ है 2 sin अल्फा बाय पी ओ ये ना तो पी ओ कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर कर दो क्या गया एच प्लस 2 स्क्वायर के माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 यही क्वेश्चन हो गया ना लोकस क्या आ गया एच प्लस 2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 ये हो गया लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो का डाउट है नहीं ना श्योर नेक्स्ट अब नेक्स्ट एक डालो सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स मीन्स अगर दो सर्कल रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्या होगा बहुत सिंपल है और इसे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है कि कितना टेंजेंट नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉ हो सकता है
कंडीशन गिवन रहेगा बड़ा पॉइंट नंबर ऑफ टेंजेंट क्लियर सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स इसमें कुछ केस रहेगा तो हम लोग नेगेटिव हो सकते हैं क्या होगा सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स लिखिए ब्रैकेट लिख सकते हैं कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल 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 फर्स्ट केस कहते हैं दो सर्कल है दोनों एक दूसरे से बाहर न टच कर रहा है न कट कर रहा है एक दूसरे के आउटसाइड क्लियर एक सर्कल मान लीजिए ये है और सेकेंड सर्कल क्या है ये राइट अब इसमें क्या हम लोग को बताना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा कॉमन टेंजेंट कितने तरह का होता है और इसके बारे में और ही पढ़ेंगे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ये सब बात अभी सिर्फ क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट और कंडीशन क्या होगा इस टाइप से सर्कल बनने का कंडीशन दोनों सर्कल न टच करे न कट करे कंडीशन क्या होगा क्लियर देखो इसको मान लिया सी वन इसको मान लिया सी टू और बी केसेस को क्या मान लिया डी इसको सी वन से क्यों लिखेंगे या डी लिखेंगे क्या जाएगा सी वन सी टू इक्वल टू डी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्लियर अब देखो इसको क्या लेते हैं ये आर वन और ये आर टू बोलो रिलेशन लाना है आर वन प्लस आर टू या आर वन माइनस आर टू किसके साथ सी वन सी टू के साथ तो ग्रेटर है लेस है इक्वल है क्या है इस टाइप का कंडीशन लाना है इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सी वन सी टू क्या है ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू है बोलो है कि नहीं है दो सर्कल गिवन रहेगा दोनों सर्कल का हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं रेडियस निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल सकते हैं सम ऑफ रेडियस निकाल सकते हैं अगर ऐसा कंडीशन आ गया सी वन प्लस सी टू ग्रेटर देन सी वन सी टू ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू मतलब इस टाइप का सर्कल बनेगा दोनों सर्कल एक दूसरे से आउटसाइड है कट कर रहा है ना टच कर रहा है अब इसमें पूछेगा क्या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो टेंजेंट दो टाइप का होता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टेंजेंट क्या है दो टाइप एक कॉमन टेंजेंट देखो ये हो सकता है दूसरा कॉमन टेंजेंट ये हो सकता है क्लियर और क्या हो सकता है बताओ ये हो सकता है दिख रहा है होगा कि नहीं होगा दूसरा क्या हो सकता है ये हो सकता है क्लियर इसको एक्सटेंड करेंगे ये हम लोग बाहर देखेंगे ये भी इसी लाइन पे मीट करेगा ऐसा कुछ क्लियर ये क्या हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो टाइप का टेंजेंट दिख रहा है क्या ये है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना है देखेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू फोर जो येलो वाला है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्लियर और इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट
transverse common tangent. So number of common tangent 4. There are 2 direct common tangent and 2 transverse common tangent. 2 direct common tangent, 2 transverse common tangent. किसको बोलेंगे डायरेक्ट, किसको बोलेंगे ट्रांसवर्स? तो ऐसा टेंजेंट जो दोनों सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में सेम साइड हो, या तो दोनों के ऊपर हो या दोनों के नीचे हो, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो सी1 से भी रिस्पेक्ट में ये लाइन कंप्लीट के अबव है, ये लाइन कंप्लीट के बिलो है, इसको क्या बोले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड, इसके बिलो है, इसके अबव है कि नहीं, इसके इस साइड है, इसके इस साइड है, क्या बोलेंगे इसको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर दोनों सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में लाइन अपोजिट साइड हो तो बोलेंगे ट्रांसवर्स टेंजेंट, अगर सेम साइड हो तो डायरेक्ट टेंजेंट। बोलो क्लियर है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, 2 डायरेक्ट, 2 ट्रांसवर्स। कंडीशन क्या है? C1 प्लस C2, सॉरी C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। क्या पूछेगा कितना कॉमन टेंजेंट है, पहले कंडीशन देखेंगे C1 C2 में और R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 में रिलेशन क्या है, तो हमसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ। बोलो क्लियर है? केस 2 क्या होगा, सेकंड केस। अब क्या करते हैं, C1 C2 को छोटा करते हैं, ऐसा कुछ ना है, क्लियर। C1 C2 को यहां ले आए, ये है C1, ये है C2, और ये क्या है, ये है D, C1 C2, क्लियर। आप लोग को साफ साफ दिख रहा है क्या, ये लेंथ क्या है R1, क्लियर ना, ये लेंथ आप लोगों को क्या दिख रहा है R2 ना। हम लोग रिलेशन क्या बोल सकते हैं, C1 C2 is equal to R1 plus R2। बोलो कोई डाउट है? अगर C1 C2 is equal to R1 plus R2 हो गया तो कैसा केस है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा, बोथ सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, जल्दी बोलिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना जाएगा, 3। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 3। डायरेक्ट कितना, ट्रांसवर्स कितना, ये दोनों क्या है डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये क्या है सेंटर के इसका अपोजिट साइड, ये क्या हो गया 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्लियर है? चलो केस 3, अब क्या करेंगे, C1 C2 को और छोटा करेंगे, उसे हम लोग क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कट करेगा 2 डेटिंग पॉइंट। थर्ड केस क्या है, ऐसा कुछ सर्कल, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, क्लियर। बोलो इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे हम लोग, ये C1 ये C2, ये हो गया हम लोग का C1 C2। अब देखो ये है R1 और ये हम लोग का क्या है R2। बोलो है कि नहीं, हम लोग क्या दिख रहा है कि C1 C2 इसमें क्या हो गया, लेस देन हो गया R1 प्लस R2। बोलो इसमें कोई डाउट है? अच्छा ये R1 माइनस R2 के इक्वल कब होगा, एक ही साथ यहाँ बना देते हैं, नेक्स्ट केस भी तो दिख भी जाएगा हम लोग को, ऐसा कुछ सर्कल है और ऐसा, ठीक है, ये हम लोग लेते हैं C2
इसका सेंटर कुछ ले लेते हैं सी वन, कहीं भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ये सी वन क्लियर। ये हम लोग का हो गया सी वन सी टू, ये हो गया हम लोग का आर टू, और ये हो गया आर वन। बोलो आर वन इक्वल टू क्या है, सी वन सी टू प्लस आर टू है कि नहीं? इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी वन सी टू इक्वल टू क्या है, आर वन माइनस आर टू। कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता, मॉड लगा दिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एरिया। उस केस में क्या आ गया कि एक दूसरे को सर्कल इंटरनली टच कर रहा है, इसमें से कोई टच तो नहीं कर रहा, तो सी वन सी टू क्या होगा, आर वन माइनस आर टू से ग्रेटर होगा कि नहीं, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये लेंथ क्या होगा और एक्सटेंड होगा, ये इधर जाएगा, तो सी वन सी टू क्या होगा और बड़ा होगा, होगा कि नहीं। इस केस में देखो ये बोल सकते हैं क्या, आर वन माइनस आर टू का मॉड लेस देन सी वन सी टू लेस देन आर वन प्लस आर टू, और जब सी वन सी टू को रिड्यूस करेंगे तब जाके इंटरनली टच करेगा। इस केस में क्या है, सी वन सी टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, बोलो है कि नहीं, समझ में आया। इस कंडीशन में क्या हो गया, आर वन माइनस आर टू का मोड लेस देन सी वन सी टू लेस देन आर वन प्लस आर टू, क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, इसे बोलो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू, दोनों पे आया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। बोलो क्लियर, इस केस में बोलो क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस में इसमें क्या है, ये सिर्फ कॉमन टेंजेंट है, बोलो डायरेक्ट है कि ट्रांसवर्स है, सेंटर के दोनों साइड है, मतलब सेम साइड है ना दोनों सेंटर के स्पेक्ट में, ये क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वन, बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोथ आर सॉरी क्या है, ये जो वन है वो क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोलो क्लियर है। अब लास्ट केस क्या होगा, फिफ्थ केस, फोर्थ केस हम लोग देख चुके हैं, क्या करें, सिर्फ सी वन सी टू को रिड्यूस कर रहे हैं और तो कुछ करने गए हैं, और क्या होगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, क्लियर है, ये सी वन ये सी टू हम लोग को दिख रहा है कि ये माइनस ये करेंगे फिर भी छोटा होगा, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सी वन सी टू लेटर मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू, बोलो ये कंडीशन है कि नहीं, सी वन से टू लेटर मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। बोलो कोई डाउट है, हमेशा क्या करना है, दो सर्कल गिवन है उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा है, और ये डिफरेंस बिटवीन सेंटर निकालेंगे, सम ऑफ रेडियस एंड डिफरेंस ऑफ रेडियस निकालेंगे, फिर दोनों में रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन, जिसके ऊपर रिलेशन आएगा फिर वहां से बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा। बोलो क्लियर है, पक्का ना, चलो इसके तरह सब क्वेश्चन लिखो, तो जब चेक करना है, देखो फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन एंड कंडीशन, मतलब जो पांच केस में कंडीशन लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द कंडीशन एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द कंडीशन एंड, फाइंड द कंडीशन एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द कंडीशन एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स, फाइंड द कंडीशन एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y सॉरी माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बताना कंडीशन है नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव जल्दी कीजिए तो बोलो ये 1 है ये 2 है क्या हो जाएगा c1 1,2 R1 1 square plus 2 square कितना हो जाएगा? root 5 बोलो को डाउट है C2 0,4 R2 4 का square 16 plus 4 20 2 root 5 clear? A होगा ना? चलो C1 C2 निकालो C1 C2 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना आ गया रूट 5 क्या आ गया c1 c2 इक्वल टू r2 माइनस r1 बोलो नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव क्या जाएगा ऐसा कुछ केस बनेगा ऐसा ना तो नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 कंडीशन क्या आ गया c1 c2 इक्वल टू r2 माइनस r1 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 बोलो क्लियर है पक्का ना चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है कंडीशन निकालना है नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव इक्वेशन लिखवा देते हैं पहले को फाइंड कंडीशन है नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव फाइंड द कंडीशन एंड नंबर ऑफ कॉमन डेरिवेटिव बिटवीन टू सर्कल्स Find condition and number of common tangents between two circles x square plus y square x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 is equal to 0 x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 is equal to 0 and x square plus y square x square plus y square plus 6x minus 2y x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 is equal to 0 x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 is equal to 0 जल्दी बताइए हो गया क्या देखो c1 1,3 R1 1 square plus 3 square 10 10 minus 9 is equal C2 minus 3 1 Here now R2 9 plus 1 10 minus 1 3 बोलो clear है C1 C2 कितना गया minus 3 minus 1 4 का square 1 minus 3 2 का square 16 plus 2 20 2 root 5 बोलो clear R1 plus R2 equal to 4 दिख रहा है कि C1 C2 क्या है 2 root 5 मतलब 2 into 2 point something greater क्या है 4 है C1 C2 greater than R1 plus R2 C1 C2 greater than R1 plus R2 कितना number of common tangent 4 ना 2 direct common tangent and 2 transverse common tangent number of common tangent 4 2 direct and 2 transverse बोलो clear है चलो next next देखो if two circles are x square plus y square is equal to r square if two circles are x square plus y square is equal to r square and x square plus y square
x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 इफ टू सर्कल्स आर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r फाइंड द वैल्यू ऑफ r सच दैट Both intercept each other. Find the value of R such that both intercept each other. Both intercept each other at two real and distinct points. Both intercept each other at two real and distinct points. Both intercept each other at two real and distinct points. जल्दी कीजिए तो अरे हो गया बोलो क्या करेंगे C1 0 0 R1 R C2 5 0 R2 5 square 25 minus 16 3 both intersect each other condition क्या लगाना पड़ेगा r1 minus r2 का mod less than c1 c2 less than r1 plus r2 बोलो ये लगाते हैं ना mod of r1 minus r2 less than c1 c2 less than r1 plus r2 बोलो c1 c2 कितना है c1 c2 5 ना put कर लो r minus 3 का mod less than 5 less than 3 plus r बोलो पढ़ाओ क्या r minus 3 का mod less than 5 less than 0 पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या गया 3 plus r greater than 5 r greater than 2 clear फिर इसको सॉल्व करते हैं mod of r minus 3 less than 5 मतलब आप लोगों को पता है कैसे mod को सॉल्व करते हैं क्या रहेगा माइनस फाइव लेस देन आर माइनस थ्री लेस देन फाइव क्लियर प्लस थ्री ऐड किए माइनस टू लेस देन आर लेस देन थ्री ये इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू चलो एक साथ होना चाहिए ना क्या लिखेंगे वन इंटरसेक्शन टू वन इंटरसेक्शन टू क्या हो जाएगा आर करें टू टू एट क्या लिखेंगे 2 less than r less than 3 आंसर क्या जाएगा r कहां से कहां तक अप्लाई करना चाहिए बिटवीन 2 to 8 2 less than r less than 8 2 less than r less than 8 बोलो क्लियर है पक्का ना चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है हो गया चलो नेक्स्ट लाइन डालो अब इसके बारे में फिर सब बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट एंगल ऑफ टेंजेंट और इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं छोटा सा चीज है फिर आगे ठीक है नेक्स्ट लिखो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एंगल बिटवीन टू सर्कल्स एंगल बिटवीन टू सर्कल्स दो सर्कल है दोनों के बीच का है एंगल बिटवीन टू सर्कल एंगल बिटवीन टू सर्कल क्लियर ये C2 है ये C1 है दोनों सर्कल के बीच का है पर इसमें लिखो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल्स एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टेंजेंट और नॉर्मल at their point of intersection at their point of intersection
किसी एक पे निकालो एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किए ये टेंजेंट हो गया एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा, क्लियर। इसके बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है, ये हम लोग मान लिए थीटा, क्लियर है। देखो इसमें करके क्या है, ये टेंजेंट है मतलब बोलो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और इस पे ये टेंजेंट है मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो इसमें कोई डाउट है, ये लाइन इस पे, सॉरी डबल एंगल बना दिया, पहले क्या करना है इसको रेडियस से ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, क्लियर। ये सेंटर है, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, क्लियर। और दूसरा क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देते हैं, बोलो क्लियर। अब बोलो कौन सा एंगल 90 होगा, ये इस पे टेंजेंट है मतलब ये एंगल 90 होगा ना, ये एंगल, ये टेंजेंट है ना, और फिर क्या होगा ये एंगल 90 होगा, कौन सा, तो ये एंगल, देखो ये 90 होगा कि नहीं पक्का ना, चलिए अब देखो ये एंगल कितना होगा, तब ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल। अब इस पॉइंट पे देखो टोटल एंगल 360 बनेगा, ये थीटा, ये 90, ये 90, तो क्या हो गया 180 प्लस थीटा, तो बोलो दोनों रेडियस के बीच का एंगल, ये एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा कि नहीं, अरे पक्का ना, ये समझ में आया कि नहीं। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट पी है, ये सी वन है, ये सी टू, क्लियर है। एंगल सी वन पी सी टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो इसमें कोई डाउट है, नहीं ना, जस्ट क्या है कैलकुलेशन, बोलो क्लियर। अब हम लोग को एक अगर क्वेश्चन में पता है तो ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है, ये पी सी वन सी टू, क्लियर, और ये एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है ना। इससे तो क्या बोले डी, ये लेंथ क्या है पी सी टू मतलब आर टू है, और ये क्या है आर वन, एक कोसाइन रूल होता है, जैसा कि ध्यान रख लो कोसाइन रूल क्या होता है कोस थीटा, क्या लिखेंगे कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर ये एंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे इसका अपोजिट साइड, सी वन सी टू है ना, तो लिखेंगे इसको छोड़ के दोनों साइड मतलब ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू। अगर मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ट्रायंगल नोटेशन ये ए ये बी ये सी ये थीटा, क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी दोनों को क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू, ठीक है। हम लोग हमेशा लेना है एक्यूट एंगल, इसका क्या करते हैं मॉडल, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, बट लेना है एक्यूट एंगल, सिंपली क्या लिखेंगे मॉड लगा दिया मतलब प्लस माइनस का मतलब रहा नहीं, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है थीटा ना, के निकालना था ना दोनों के बीच का एंगल थीटा, क्या आ गया cos थीटा इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू,
क्लियर। एंगल बिटवीन टू सर्कल मतलब एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट और एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल क्या हो जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू कोस थीटा इक्वल टू मोड ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय टू आर वन आर टू। क्लियर है। अब हम लोग यहीं तक कर लेते हैं, इस बच्चे से रिवाइज करना है, फिर इस पे बेस्ड एक और थ्योरम आएगा, एक टर्म आएगा ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व मतलब होता है दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे अगर बीच का एंगल 90 होगा क्या कंडीशन होगा, फिर आगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अच्छे इसको रिवाइज करके आओ और होमवर्क कंप्लीट करके, ठीक है। ओके देन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक ना। ओके बाय, थैंक यू।